नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्वालियर बेंच ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अक्षय कुमार सिंह को फटकार लगाते हुए उनके खिलाफ नकारात्मक कमेंट किया है। हाई कोर्ट ने कहा, आप कलेक्टर हैं, कहीं के राजा नहीं। इसी के साथ अक्षय कुमार सिंह ने वह आदेश वापस लेने का वचन दिया जिसके कारण उन्हें उच्च न्यायालय में प्रस्तुत होना पड़ा था। आपकी जानकारी के लिए यहां हम बता दें कि आदिम जात कल्याण विभाग के कर्मचारी राजकुमार सिंह द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका प्रस्तुत करते हुए बताया था कि आदिम जाति कल्याण विभाग में जिला संयोजक आरएस परिहार का ट्रांसफर हो जाने के बाद शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने एक जूनियर कर्मचारी महावीर प्रसाद जैन को जिला संयोजक के पद का प्रभार सौंप दिया, जबकि वहां राजकुमार सिंह सबसे सीनियर थे और नियमानुसार जिला संयोजक का प्रभार उन्हें ही मिलना चाहिए था। याचिका को स्वीकार करने के बाद हाई कोर्ट ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह को कोर्ट में तलब किया। जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने मामले की सुनवाई करते हुए शिवपुरी कलेक्टर ने महावीर प्रसाद जैन को जिला संयोजक पद का प्रभार देने के निर्णय को सही बताया, लेकिन जब जस्टिस अहलूवालिया ने रिक्त पद पर किसी कर्मचारी को प्रभार देने के नियम के बारे में पूछा तो शिवपुरी कलेक्टर अपने फैसले के समर्थन में नियमों का उल्लेख नहीं कर सके, या यूं कहें कि नियमों के समर्थन में वो सही जवाब नहीं दे पाए। इस पर जस्टिस अहलूवालिया ने कोर्ट में ही उन्हें फटकार लगाई। जस्टिस अहलूवालिया ने कहा, आप जिले के कलेक्टर हो, राजा महाराजा नहीं, लेकिन आपने राजा की तरह कार्य किया है। जस्टिस की सख्त और तल्ख टिप्पणी के बाद कलेक्टर सिंह ने प्रभार देने में गलती होने की बात स्वीकार कर ली। साथ ही कोर्ट को बताया कि 23 नवंबर को जिला संयोजक का प्रभार दिए जाने का आदेश वापस लेने की बात कही। इस पर हाई कोर्ट ने याचिका को निराकृत कर दिया। आपको हमारी खबरें कैसे लगती हैं, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।